Hello learners, good evening all of you. ओके okay, तो ये सेशन uh, जो होगा ये कीवर्ड्स की सीरीज़ का आखिरी सेशन होगा वेलकम टू दिस सेशन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ऑन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगे वेलकम टू अन अकेडमी यू आर्टिकुलेट एज वेल इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं और uh, आज भी हम वही करेंगे एंड अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने बाकी के दोस्तों से भी इन्हें शेयर कर सकते हैं और रेगुलरली इन सेशंस में ज्वाइन भी कर सकते हैं सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन ताकि हम आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करें ओके ग्रेट सो इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स में जो वर्ड्स हैं उन पर हम चर्चा शुरू करेंगे पर अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस का पार्ट रहे हैं तो उनमें भी हमने इन शब्दों पर डिस्कशन पहले किया है सो so, ये वर्ड्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं ओके चलिए सो सबसे पहले जो शब्द आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी ठीक है ओके uh, okay. तो सबसे पहले जो वर्ड आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है अंड अंड शब्द जो है वो किस कंटेक्स में नॉर्मली हम पढ़ते हैं जब हम स्तूप आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं उसमें आपको नॉर्मली ये अंड देखने को मिलता है अंड मतलब अंडे के आकार का ठीक है तो नॉर्मली जो स्तूप है वो है क्या स्तूप एक प्रकार का बरियल माउंड है जो कि ऐसा दिखता है जिसमें कहा जाता है कि इसके अंदर एक पॉट है जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष हैं रिलिक्स हैं उसके ऊपर ये माउंड आपको देखने को मिलता है इसी शेप को हम अंड कहते हैं ओके अंड सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर जो कि आप बुद्धि स्तूप में देखते हैं वही अंड कहलाता है अगला शब्द देखिए अगला शब्द है बरिन नॉर्मली जब हम स्टोन एज कवर करते हैं तो उसमें आपने बरिन टूल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा जो कि लेटर फेज में जैसे कि मेसोलिथिक न्योलिथिक फेज में और इवन अपर पेलियोलिथिक पीरियड में भी आपको कुछ बरिन टूल्स देखने को मिलते हैं तो ये बरिन वर्ड का क्या मतलब है ये किस प्रकार के टूल्स को हम बरिन कह रहे हैं ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल हड्डियों को काटने के लिए या फिर हड्डियों पर पत्थरों पर एनग्रेविंग करने के लिए किया जाता है वो टूल्स बरिन टूल्स कहलाते हैं ये पॉइंटेड होते हैं ठीक है काफ़ी नोकीले होते हैं आगे से इसी वजह से उसी के कारण से हम इन टूल्स की मदद से एंग्रेविंग कर सकते हैं खुरेद सकते हैं किसी चीज को बोन्स को काट सकते हैं उन पर कुछ खुरेद कर लिख सकते हैं तो ये होते हैं आपके बर इन टूल्स अगला शब्द देखिए अगला शब्द है दरगाह दरगाह शब्द जो है नॉर्मली जब आप सूफिज्म पढ़ते हैं तो उसके कंटेक्स्ट में ये शब्द आता है वैसे दरगाह होती क्या है दरगाह श्राइन होती है किसी भी सूफ़ी संत की कोई भी सूफ़ी संत हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिलसिला या खनका का कोई पीर हो कोई स्पिरिचुअल टीचर हो उसकी डेथ के बाद उसकी श्राइन बनाई जाती है और उसी श्राइन को हम दरगाह कहते हैं दरगाह का कनेक्शन इस्लाम से नहीं है दरगाह जो है वो सूफीज़म से कनेक्टेड है ओके बहुत सी दरगाहें हैं और दरगाह जो है वो हर किसी के लिए ओपन भी रहती है अगला शब्द है द्रविद द्रविद शब्द का इस्तेमाल नॉर्मली हम साउथ से जुड़ी हुई हर चीज़ के लिए करते हैं हम यहाँ पर साउथ में रहने वाले लोगों को द्रविडियंस कह सकते हैं उनके कल्चर को द्रविदियन कल्चर कह सकते हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को द्रविडियन लैंग्वेज कह सकते हैं वहाँ पर डेवलप होने वाले आर्किटेक्चरल स्टाइल को हम द्रविदियन कह सकते हैं तो द्रविदा वर्ड जो है वो हम साउथ के लिए साउथ में किसी भी चीज़ को रेफर करने के लिए कर सकते हैं जैसे आप टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में डेवलप होने वाला जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसे हम नागर स्टाइल कहते हैं वही साउथ में डेवलप होने वाले टेम्पल आर्किटेक्चर को द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं अब जब द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स की बात हो ही रही है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है गोपूराम जो नॉर्मली आपको नागर स्टाइल के टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलता ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गोपुराम है क्या इसको कैसे समझा जाए नॉर्मली साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं वो टेम्पल्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजाओं के द्वारा इसीलिए पैटर्नाइज नहीं किए गए कि वो फिलोसफी जो है उसको किसी प्रकार से प्रपाउंड या एक्सपाउंड करना चाहते थे हिंदू फिलासफ़ी को फैलाना चाहते थे स्प्रेड करना चाहते थे बल्कि साउथ के टेम्पल्स जो हैं वो किसी भी राजा की ताकत उसकी वेल्थ की उसकी जो पावर होती है ना उसको भी रिप्रजेंट करते थे तो नॉर्मली टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता था साउथ के जो रूलर्स थे वो अपने टेम्पल्स बनवाते थे और जितना बड़ा टेम्पल उतनी ही ज़्यादा पावर का प्रदर्शन वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे तो इन टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी जरूरी है क्योंकि ये उनकी पावर उनकी वेल्थ का भी सिंबल है इसी कारण से उन मंदिरों के चारों ओर दीवार खींची जाती थी नागर स्टाइल के टेम्पल्स के चारों ओर आपको दीवार नहीं देखने को मिलेगी लेकिन साउथ में जो द्रविदियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स के चारों ओर आपको एक दीवार देखने को मिलती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है अब इस दीवार को क्रॉस करके अगर आपको टेम्पल प्रमाइसिस में जाना है तो आपको एक गेट की ज़रूरत है और यही एंट्रेंस गेट जो होता है इसे हम गोपुराम कहते हैं गोपुराम द्रविड़ियन स्टाइल के टेम्पल्स में काफ़ी पहले से ही बनाए जा रहे हैं ये एंट्रेंस गेट होता है ये आपको दीवार क्रॉस करके आगे अंदर टेम्पल प्रमाइसिस में जाने में मदद करता है गोपूराम पल्लव स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पाए गए हैं ले, चोलास के टाइम पर भी पाए गए हैं लेकिन सबसे विशाल अगर आपको गोपुराम देखने हैं तो वो विजयनगर एम्पायर के समय के गोपुराम हुआ करते थे इवन उसके बाद नायक स्टाइल के जो टेम्पल्स आए उसमें भी गोपुराम जो है वो बहुत ज्यादा साइज में बड़े होते थे जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल का गोपूराम अगर आप देखो तो इट्स वेरी बिग तो गोपूराम एंट्रेंस गेट्स होते हैं और नॉर्मली आपको ये देखने को मिलेंगे मेन गेटवे होता है ये ठीक है टेम्पल प्रमाइसिस में एंटर होने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है जैसे आपका घर है आपके घर का एक तो मेन डोर होगा लेकिन उस डोर के बाहर जो मेन घर है आपका उसके चारों ओर भी एक दीवार होगी उस दीवार का भी एक एंट्रेंस गेट होगा लोहे का इसी प्रकार से मंदिर का भी एक मेन एंट्रेंस गेट होता है जिसे हम गोपूराम कहते हैं और ये मंदिर के मुकाबले साइज में बहुत बड़ा भी हो सकता है अगला शब्द है मकबरा काफी कॉमन शब्द नॉर्मली जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आपने देखा होगा मकबरा शब्द इसका मतलब होता है ठीक है इट्स वेरी कॉमन मकबरा यानी कि टोम्ब होता है किसी भी राजा की मृत्यु के बाद नॉर्मली जो मुस्लिम रूलर्स होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता है फिर उनका टोम बनाया जाता है तो मकबरा उसे ही कहते हैं जैसे हुमायूं का मकबरा इज़ वेरी पॉपुलर जो कि उनकी वाइफ ने उनकी याद में बनवाया था और वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा रेड सैंडस्टोन का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है अगला शब्द है म्यूरल अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप रोज़ उस पर जो वीडियो डाली जाती है उनको देखते हैं तो आप म्यूरल शब्द के बारे में जरूर जानते होंगे म्यूरल वर्ड का लिटरल मीनिंग वॉल होता है यानी कि दीवार तो म्यूरल पेंटिंग का मतलब हुआ दीवार पे की जाने वाली पेंटिंग्स लेकिन ये जो म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं इनके दो प्रकार होते हैं एक गम टेम्परा और दूसरा फ्रेस्को तो गम टेम्परा और फ्रेस्को स्टाइल की जो पेंटिंग्स हैं, उनमें आखिर क्या फर्क है इसको हम कैसे समझें तो मान लीजिए ये है दीवार ये है वॉल ये जो दीवार है इसका जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर पहले प्लास्टर लगाया जाता है ये जो लेयर है यहां पर ये जो प्लास्टर लगाया जा रहा है इस दीवार के ऊपर ये प्लास्टर कई चीज़ों से बनता है इसमें काउ डंग भी होता है हस्क पार्टिकल्स भी होते हैं इसके साथ साथ आपका जो चूना पत्थर है लाइम स्टोन वो भी होता है तो इन सभी चीज़ों को मिस मिक्स करके यहाँ पर एक पेस्ट तैयार किया जाता है और वो पेस्ट जो है वो वॉल पे अप्लाई किया जाता है अब ये जो पेस्ट है ये जो प्लास्टर है अगर आप इसको पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इस पर आप पेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर फिर पेंट अप्लाई करते हो पूरी तरह से ड्राई होने के बाद तो ये जो टेक्निक है ये है गम टेम्परा लेकिन जब प्लास्टर वेट है जब प्लास्टर फ्रेश है और उसी फ्रेश वेट प्लास्टर के ऊपर जब आप पेंट अप्लाई कर रहे हो पेंटिंग शुरू कर रहे हो तो वो फ्रेस्को स्टाइल की पेंटिंग होती है फ्रेस्को फ्रेश शब्द से आता है ठीक है फ्रेश इसी वजह से उन्हें फ्रेस्को कहते हैं मान लीजिए आप यहां पर पेंट कर रहे हो लेकिन प्लास्टर इस एरिया से ड्राई हो गया फिर फ्रेस्को स्टाइल की पेंटिंग में अगर कोई एरिया ड्राई हो जाता है प्लास्टर ड्राई हो जाता है तो उस प्लास्टर को निकाल के वापस से उसकी जगह पे फ्रेश प्लास्टर लगाया जाता है और फिर ही पेंट किया जाता है तो बहुत ही Uh, मेहनत वाला काम है ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आर नॉट दैट वेरी इजी गम टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग में फिर भी पूरा प्लास्टर ड्राई होने के बाद उस पर पेंट अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ़ एक बार का काम होता है ओके okay? तो ये है फ्रेस्को और गम टेम्परा इंडिया में गम टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग्स का कल्चर रहा है नॉर्मली जैसे कि अगर आप अजंता केव्स में जाएंगे तो अजंता केव्स की पेंटिंग्स जो हैं वो गम टेम्परा स्टाइल में हैं वैसे ही आप एलोरा में जाएंगे वहाँ की पेंटिंग्स जो हैं वो भी गम टेम्परा स्टाइल में ही आपको मिलेंगे इसी तरीके से साउथ में बृहदेश्वर टेम्पल में जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो पेंटिंग्स भी गम टेम्परा स्टाइल में ही आपको देखने को मिलती हैं अगला शब्द देखिए ऐसा कहते तो है कि फ्रेस्को इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है बट स्टिल हम ये पूरी तरह से श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते बिकॉज हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर अगेन अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट तो क्या पता कल ही कोई फ्रेस्को पेंटिंग हम ढूंढ निकालें या एक्सकेवेट कर लें अभी तक तो फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में कोई ज्यादा जानकारी भारत में नहीं पाई गई है अगला शब्द है नागर या नगर जैसे द्रविद शब्द का इस्तेमाल हमने किया था या द्रविदियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात की थी तो आप देखोगे कि नागर वर्ड जो है वो टेंपल आर्किटेक्चर से कनेक्शन रखता है और ये एक प्रकार का टेंपल आर्किटेक्चर का स्टाइल ही है ठीक है यू विल फाइंड दिस थिंग कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पाए जाने वाले टेंपल्स जो हैं वो जिस स्टाइल में हैं वो स्टाइल नागर स्टाइल ही कहलाता है अगला वर्ड है सराय सराय शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है मेडिवल इंडिया से मध्य भारत से कैसे शेर सूरी शेर शाह सूरी जिन्होंने एक करेंसी यूनिट इंट्रोड्यूस की थी जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं रुपए रुपया जो रुपया है ये शेर ने इंट्रोड्यूस किया था ये करेंसी यूनिट सूरी ने सराय भी इंट्रोड्यूस किए सराय रेस्ट हाउस होते हैं तो नॉर्मली जो लैंड रूट्स हुआ करते थे जिन पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे उन लैंड रूट्स पर हर थोड़े समय के बाद हर थोड़ी टाइम के बाद आपको डिस्टेंस के बाद रेस्ट हाउसेस मिलेंगे और ये जो रेस्ट हाउसेज होते थे यहाँ पर फ्री खाना प्रोवाइड किया जाता था रहने की जो व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल मुफ्त थी तो इन्हीं रेस्ट हाउसेस को हम सराय कहते हैं ठीक है धीरे धीरे करके ये जो रेस्ट हाउसेस थे इनके आसपास टाउन्स डेवलप हो गए और अब ये सराय टाउन्स में तब्दील हो चुके हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी इन सरायों में और इन सरायों के आसपास जो गांव हुआ करते थे उन गांव से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसी पैसे का इस्तेमाल सराय में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता था ओके तो सराय शेरशाह सूरी के समय में आप आते हुए देखेंगे अगला शब्द है टेरा कोटा टेराकोटा इस शब्द को जब हम देखते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग होता है बर्नड क्ले या ड्राइड क्ले ठीक है टेराकोटा तो यू विल फाइंड नॉर्मली ये वर्ड आपने काफ़ी बार देखा होगा जब आपने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पर आप टेराकोटा शब्द को देखते हैं तो टेराकोटा का लिटरल मीनिंग बेक्ड या बर्नड क्ले होता है जैसे कि मान लीजिए आपने मिट्टी का एक पॉट बनाया और वो जो पॉट है उसको आपने आग में तपाया उसको पक्का किया तो आग में तपाने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये पॉट जो है ये टेराकोटा का पॉट है बेसिकली बर्न्ट क्ले ठीक है टेराकोटा तो नॉर्मली आप देखेंगे कि टेराकोटा शब्द का इस्तेमाल जिस बर्नट क्ले के लिए होता है वो क्ले काफ़ी कोर्स होता है काफ़ी दरदरा होता है वो फाइन नहीं होता है दरदरा मतलब उसका टेक्सचर दरदरा होता है जैसे गेहूं गेहूं कोर्स ग्रेन है राइट दरदरा पन जब आप उसको टच करेंगे लेकिन गेहूं को जब पीस दिया जाता है तो वो फाइन हो जाता है तो टेराकोटा नॉर्मली इसमें जो क्ले है जिसको बर्न किया जाता है क्ले से जो भी बनाया है आपने पॉट वगैरह नॉर्मली वो क्ले कोर्स कोर्स पार्टिकल्स रखता है अपने अंदर दरदरापन होता है उसका टेक्सचर दरदरा होता है ठीक है कोर्स होता है चलिए टेराकोटा यू विल फाइंड टेराकोटा के बर्तन टेराकोटा के टॉयज़ फ्रॉम हर सिविलाइजेशन नेक्स्ट कम्स तोरन अगला शब्द है तोरन ओके okay लर्नर्स uh, थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू आई होप यू ऑल आर बैक नाउ ओके ग्रेट 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 चलिए तो अगला शब्द यहां पर आप जो देख रहे हैं वो है तोरण जैसे कि आपने आ, होली दिवाली पर कभी देखा हो मोस्टली दिवाली जो फेस्टिवल होता है उसमें जो घर का एंट्रेंस गेट होता है उस पर आपने कभी ना कभी तोरण जरूर लगाया होगा इस तरीके से ऐसे करके मैंगो लीव्स वाला बहुत माना जाता है ये तोरन. है ना इस तरह से लगाते हैं आम के पत्ते होते हैं उसमें फिर उसमें गेंदे के फूल भी होते हैं ऐसे करके है कि नहीं तो क्या ये आम के पत्ते और गेंदे के फूल कहीं पर भी लगा दिए जाएंगे तो क्या वो तोरण कहलाएगा ऐसा नहीं होता है बेसिकली तोरण का मतलब होता है डेकोरेटेड एंट्रेंस गेट ठीक है डेकोरेटेड गेटवे तो अगर मैंने इस गेटवे को इस एंट्रेंस गेट को इस तरीके से सजा दिया है सुंदर बना दिया है तो ये तोरन कहलाएगा ओके okay? तो नॉर्मली डेकोरेटेड होता है ये सेरेमोनियल गेटवे जो होता है उसे हम तोरण कहते हैं ये तोरण है कभी कभी आपके घर में वुलन के भी तोरण लगाए जाते हैं ठीक है वुल जो होता है उससे भी कुछ फ्लावर्स बनाकर इस तरीके से तोरण लगाया जाता है ठीक है सेरेमोनियल गेटवेज को हम तोरण कहते हैं एंड इवन uh, आपने स्तूप आर्किटेक्चर में भी देखा होगा कि स्तूप जो है उसके चारों ओर भी डेकोरेटेड सेमोनियल नॉट सेमोनियल लेकिन एटलीस्ट डेकोरेटेड कार्व गेटवे बनाए गए हैं और वो भी तोरण कहलाते हैं ओके okay? चलिए अगला जो शब्द है उसकी ओर हम बढ़ते हैं द्रुपद नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग आज इवन uh, कम्युनिटी में इसके ऊपर एक वीडियो भी आने वाली है आप उसको जरूर देखें लेकिन मैं आज के इस सेशन में भी ध्रुपद पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी ध्रुपद ये पहले तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये आर्ट एंड कल्चर में आता है और इंडियन म्यूजिक में आता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक्चुअली और ये काफी पुराना है अगर ध्रुपद की बात की जाए तो देखिए फिफ्टींथ सेंचुरी से पहले कि कोई भी टेक्स्ट में द्रुपद का जिक्र नहीं मिलता ये एक प्रकार का म्यूजिक है ठीक है तो फिफ्टीन सेंचुरी से पहले कोई जिक्र नहीं मिलता है हमें ध्रुपद का ध्रुपद कैसे आ गया कहाँ से आ गया ये काफी एम्बिग्यूस है मतलब काफी कंफ्यूजिंग है ये पार्ट लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशन हैं कुछ मान्यताएं हैं ध्रुपद को लेकर कहा जाता है कि एंशंट टाइम में एक प्रकार का म्यूजिक हुआ करता था जिसे प्रबंध कहते हैं और ये जो प्रबंध था इसी से ध्रुपद निकल कर आया ध्रुव पद ध्रुव का मतलब होता है समथिंग विच इज परमानेंट जैसे कि ध्रुव तारा तो उस तारे को पोल स्टार को ध्रुव तारा क्यों कहते हैं बिकॉज इट्स परमानेंट उसकी पोजिशन परमानेंट होती है तो ध्रुपद में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि अचल है जो मूव नहीं होता जो परमानेंट है ठीक है ध्रुपद इट्स अ टाइप ऑफ म्यूजिक तो प्रबंध हुआ करते थे प्रबंध कैसे गाए जाते थे उसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन एक बहुत पुराना टेक्स्ट है संगीत रत्नाकर ये जो संगीत रत्नाकर है ये टेक्स्ट द्रुपद के बारे में जानकारी तो नहीं देता लेकिन ये प्रबंध के बारे में जानकारी जरूर देता है संगीत रत्नाकर शारंग देव नाम के एक राइटर थे जिन्होंने इस किताब को लिखा था और ये म्यूज़िक पर है ये किताब संगीत रत्नाकर बेसिकली म्यूज़िक कैसे हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम रत्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट जेम है उसके बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है और इसी संगीत रत्नाकर में बताया गया है कि देवर सम 200 प्लस प्रबंध और उन्हीं में से एक में से ये ध्रुव बाहर आया ध्रुवपद जो है वो बाहर आया वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनका नाम ध्रुवपद से जोड़ा जाता है वो है राजा मान सिंह आप में से किसी लर्नर ने राजा मान सिंह के बारे में सुना है मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है राजा मान सिंह तोमर की बात हो रही है राजा मान सिंह तोमर जो कि ग्वालियर के राजा थे ही इज द वन जिन्होंने ने द्रुपद को बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया एंड इसी तरह से स्वामी हरिदास नाम के भी एक म्यूजिशियन थे जो कि द्रुपद गाया करते थे लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हुए और यही स्वामी हरिदास के डिसाइपल थे मिया तानसेन तानसेन के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा जो कि मुगल्स के कोर्ट में गाया करते थे और उन्हें मियाँ का टाइटल भी दिया गया था तो ये जो मियाँ तानसेन है ये द्रुपद ही तो गाते थे और ये स्वामी हरिदास के चेले थे, ठीक है तो इस प्रकार से राजा मानसिंह तोमर, स्वामी हरिदास मियाँ तानसेन इन सभी का नाम द्रुपद से जोड़ा जाता है ओके द्रुपद में अलाप होता है बहुत लंबा एक डेढ़ घंटे का तो अलाप होता है नोम तोम का अलाप होता है इसमें धीरे uh, धीरे करके उस अलाप में जो वर्णों का इस्तेमाल हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है एंड फाइनली लास्ट में बंदिश यानी कि लिरिक्स आते हैं ठीक है तो इसमें पहले लिरिक्स नहीं होते हैं एक डेढ़ घंटे तक सिर्फ अलाप चलता है आ ऐसे करके नोम तोम तेने तारा ऐसे करके और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है धीरे धीरे एंड लास्ट में जाके फिर लिरिक्स आते हैं सो so, दिस अलाप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द्रुपद ओके तो यहाँ पे द्रुपद आप देखते हो आप सभी ने तबला के बारे में तो हमेशा ही सुना होगा लेकिन क्या आपने पखावज के बारे में सुना है तबला पखावज के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है कहा जाता है कि तबला को तानसेन ने इन्वेंट किया था लेकिन तबला जब नहीं हुआ करता था तो पखावज बजाया जाता था पखावच ताल के लिए यूज़ होता है जैसे ताल मतलब बीट्स वन टू थ्री फोर तो नॉर्मली इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ताल के लिए होते हैं बीट्स देने के लिए सो तो पखावज और ज़्यादा पुराना है एज़ कंपेयर्ड टू तबला एंड पखावज का इस्तेमाल भी ध्रुपद में होता है सो ध्रुपद इज़ कनेक्टेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था और uh, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ठीक है आगे चले अगले शब्द की ओर और, और वो है अभिनय दर्पण जी बिल्कुल बिल्कुल तेजस इट्स आमिर द वन जिन्होंने सितार और तबला इन्वेंट किया अभिनय दर्पण अभिनय दर्पण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ये भी आर्ट से जुड़ा हुआ ही टेक्स्ट है और इसके लेखक हैं नंदी केश्वर तो हमने दो टेक्स्ट पढ़ लिए संगीत रत्नाकर बाय सारंग देव एंड अभिनय दर्पण बाय नंदी केशवर ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इट टॉक्स अबाउट डांस इट टॉक्स अबाउट म्यूजिक इट टॉक्स अबाउट थिएटर लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में नंदी केशवर किस के बारे में बात करते हैं वो बात करते हैं नव रसों के बारे में कि कैसे किसी भी टाइप का आर्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर नौ रसों पर आधारित होता है रस मतलब की क्या होते हैं इमोशंस भाव तो कोई भी टाइप का आर्ट फॉर्म जो है ना उसके जरिए आर्टिस्ट अपना भाव प्रकट करने की कोशिश करता है अपने इमोशंस जो है वो सामने रखने की कोशिश करता है ठीक है अलग अलग प्रकार के रस होते हैं जैसे कि रौद्र रस जिसमें एंगर गुस्सा भरा है वीर रस, जिसमें प्राइड पूरी भरा होता है जैसे आपने कविता सुनी होगी एक बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी अब ये कविता है लेकिन इसमें वीर रस भरा हुआ है है ना इसमें वो प्राइड है हम यहाँ पर जब झांसी की रानी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उस प्राइड के बारे में बात कर रहे हैं उस वीरता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें वीर रस वर्तमान है वहीं जब आप लॉर्ड शिव के बारे में पढ़ते हो कि लॉर्ड शिव तांडव करते हैं तो उस तांडव के जरिए उस डांस फॉर्म के जरिए वो रौद्र रस दिखाने की कोशिश करते हैं गुस्सा एंगर और उसी को कंपनसेट करने के लिए गॉडेस पार्वती श्रृंगार रस से भरा हुआ लास्य परफॉर्म करती हैं। सो so, अभिनय दर्पण इन्हीं रसों के बारे में बात करता है रस अलग अलग प्रकार के रस हैं नौ प्रकार के रस हैं वहीं फिर करुणा कंटेम्पलेशन ठीक है इस प्रकार के कंपैशन इस प्रकार के भी आपको बहुत से रस देखने को मिलते हैं ओके चलिए सो so, यहाँ तक हमने समझ लिया चीजों को अब अगला शब्द देखते हैं और वो है राग आई थिंक ये शब्दों के बारे में आप में से काफी लर्नर्स अब जानते हैं क्योंकि हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं राग और स्वर वैसे तो द्रुपद पढ़ने से पहले राग और स्वर के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि वॉट इट एक्चुअली मीन स्वर सबसे पहले स्वर को देख लेते हैं वो लर्नर्स जिन्होंने अभी तक मेरी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है आप अन अकेडमी के ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इसी तरह के छोटे छोटे शब्द जो हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की स्वर शब्द का आखिर मतलब क्या है स्वर या फिर आपने स्वर शब्द ना सुना हो तो सा रे ग प धनी सा ये बेसिकली सात स्वर हैं ओके ये ऐसी वाइब्रेशंस हैं ये वाइब्रेशंस ही हैं किसी भी प्रकार का साउंड जो होता है वो एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है जब आप बोलते भी हैं कभी अपनी वोकल कॉर्ड पर या फिर गले पर हाथ रख कर देखिए वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तो जो भी साउंड हम यहाँ क्रिएट करते हैं हर प्रकार का साउंड का जो सोर्स होता है वो कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है हर साउंड का सोर्स वाइब्रेशन है तो यहाँ पे सारे गामा पाधानी ये भी वाइब्रेशन हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड से क्रिएट की जा रही है इसे किसी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करके भी क्रिएट किया जा सकता है इन्हें सुना भी जा सकता है तो ये स्वर क्या हैं? ये वाइब्रेशन हैं, लेकिन ये जो सात स्वर होते हैं इन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं ये शुद्ध हैं लेकिन इन्हीं शुद्ध स्वरों के इनमें से कुछ ऐसे स्वर भी होते हैं जिनके विकृत स्वर यानी कि उनके वेरिएशन भी मौजूद हैं तो इन सात में से पांच ऐसे स्वर होते हैं जिनके दूसरे वेरिएशन भी मौजूद हैं रे का वेरिएशन है रे थोड़े से एंगर के साथ भी बोला जाता है और सॉफ्ट मैनर में भी बोला जाता है तो इन दैट वे सो इन टोटल देर आर ट्वेल्व स्वर बारह स्वर हैं सात मेन होते हैं और दो जो पांच होते हैं वो माइनर होते हैं उन्हें विकृत कहते हैं तो स्वरों से ही स्वर मतलब बेसिकली म्यूजिक का बेस है स्वर ठीक है दीज आर वाइब्रेशन्स वाइब्रेशन्स जो कि हमारे कानों के द्वारा डिटेक्ट की जा सकती हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे कान सेंस कर सकते हैं दैट इज वॉट स्वर इज और ये जो स्वर हैं इन्हीं के पूरे ग्रुप को हम सरगम कहते हैं अलग अलग देशों में इन ग्रुप्स को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे कि डोरेमी जापान में डोरेमी डोरेमोन की सिस्टर आपने सुनी होगी डोरेमी सो नाउ यू नो कि उसको डोरेमी क्यों कहते हैं बिकॉज डोरेमी का मतलब सरगम ही होता है ठीक है चलिए अब ये जो स्वर हैं सारे गामा पाधनी इन्हीं स्वरों को हम यहाँ से उठाते हैं और उठाकर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं ठीक है जैसे कि सारे मानी ऐसे करके कुछ भी हमने कॉम्बिनेशन बना दिया लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्बिनेशन प्लीजिंग होना चाहिए ये कॉम्बिनेशन किसी ना किसी रूल पर आधारित होना चाहिए तो आपके सातों स्वरों में से कुछ स्वर हमने उठाकर इस तरीके से आगे पीछे इन स्वरों को रख के और एक प्लीजिंग मेलेडी तैयार की और इसी प्लीजिंग मेलेडी को हम राग कहते हैं ओके okay. सारे गामा में से आप कुछ स्वरों को उठाते हैं इन सब स्वरों को कंबाइन करते हैं बेसिकली इन जनरल राग क्या है बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलोंग विथ सम रूल्स तो यहाँ पे इन स्वरों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं हम और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो अंडर सम लिमिट्स कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और इन्हीं ही हम राग कहते हैं ओके okay? राग सो ये आपका राग हो गया दे आर प्लीजिंग और ये जो राग हैं, अलग अलग प्रकार के ये भी रसों को उत्पन्न करते हैं अलग अलग प्रकार के भाव जो हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं जैसे कि जब आप भैरव राग सुनते हो तो ऐसा लगता है मानो सुबह का समय है सूर्योदय हुआ है चिड़िया चहचहा रही हैं यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी सुहाना मौसम है वहीं मेघ राग जो है उसमें जो वाइब्रेशंस हैं माना जाता है वो बारिश भी ला सकती हैं तो हर प्रकार का राग जो है उसको गाने का उस राग को अलापने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और हर राग से जुड़ा हुआ कोई इमोशन होता है ठीक है सो देर आर डिफरेंट राग्स ओके okay. अगला शब्द यहां पर पहले तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूं अगला शब्द हम जो यहां पर देख रहे हैं वो है घराना घराना मतलब क्या जैसे अभी हम द्रुपद के बारे में बात कर रहे थे ठीक है द्रुपद एक प्रकार का म्यूजिक है लेकिन मान लीजिए कि कोई आया मान लीजिए तानसेन जो है उन्हीं की बात करते हैं अब तानसेन जो हैं, उन्होंने अपने लेवल पर जो द्रुपद म्यूजिक है उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पॉपुलर हो गए और तानसेन के नाम से एक घराना शुरू हो गया जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो घराना मतलब एक प्रकार से स्कूल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ये जो घराना है इसकी खास बात यह है कि तानसेन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उन्हीं को इस घराना में सिखाया जाता है तो घराना आर बेसिकली स्कूल ओनली जैसे आप गांधर स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट तो बनाया तो स्कल्पचर ही जा रहा है लेकिन हर स्कूल की अपनी एक यूनिकनेस होती है उसी तरह से घराने होते हैं डांस में भी होते हैं ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी घराने होते हैं जैसे कथक डांस के चार घराने आपको मिलेंगे ध्रुपद के भी घराने हैं तानसेन के नाम से भी एक घराना आपको देखने को मिलेगा ठीक है गोबहार घराना तो ये घराने स्कूल्स के लिए हम नॉर्मली घराना वर्ड यूज़ कर रहे हैं हर घराना की अपनी एक यूनिकनेस होती है अपना एक स्टाइल होता है कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा होता है उस घराने का जिसमें वो बहुत बेहतर होते हैं और उसमें उन्हें कोई मात नहीं दे सकता घराने फिर आता है शब्द ठुमरी जहां हम द्रुपद को क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं हमने द्रुपद ध्रुपद के लिए क्या वर्ड यूज किया था क्लासिकल क्यों क्योंकि शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है काफी पुराना म्यूजिक है ये लेकिन मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसा म्यूजिक भी था जो डेवलप हुआ जिसे हल्का फुल्का क्लासिकल कहा जा सकता है पूरी तरह से प्योरली क्लासिकल तो नहीं लेकिन लाइट क्लासिकल म्यूजिक कहा जा सकता है और ठुमरी ऐसा ही एक उदाहरण है ठीक है ठुमरी थप दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक लाइट क्लासिकल म्यूजिक ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो गजल गज़ल क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं आता गज़ल सेमी क्लासिकल है गज़ल जो है वो लाइट क्लासिकल म्यूज़िक में आता है तो ठुमरी थप गज़ल जैसे जो लाइट म्यूज़िक है लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है ये प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक के रूल्स को फॉलो नहीं करते इसमें थोड़े एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे ये रूल ब्रेक करते हुए आपको नज़र आते हैं ठीक है चलिए तो ठुमरी और थप्पर पर परफॉर्म किया जाता है आज भी अगला शब्द है मिनिएचर मिनिएचर इज थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसमें मिनी शब्द आ रहा है मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल बस तो जिस भी चीज के आगे मिनिएचर लग गया मान लीजिए कि इसका मतलब है स्मॉल हम कुछ छोटी चीज की बात कर रहे हैं मिनिएचर जो जैसे आपने मिनीचर पेंटिंग्स पढ़ा होगा तो मिनीचर पेंटिंग्स का मतलब क्या हुआ स्मॉल साइज की पेंटिंग्स ओके मिनिएचर देन कम्स भारत मुनि ये तो नाम है ठीक है और ये किसका नाम है ये नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है नाट्यशास्त्र भी एक ऐसी ही ऐसा ही टेक्स्ट है जो कि डांस म्यूजिक और थिएटर के बारे में हमें बताता है नाट्य शास्त्र एंड इसके इसे रचने वाले कौन है भारत मुनि तो हमने संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़ा अभिनय दर्पण के बारे में पढ़ा नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा दीज आर सम ऑफ दी टेक्स्ट कनेक्टेड टू आर्ट एंड कल्चर मैं आपको एक और टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूंगी और वो है मान कुतु मान कुतुहल में जब आपको द्रुपद के बारे में पढ़ा रही थी तब आपने आ, देखा होगा कि हम बात कर रहे थे राजा मान सिंह तोमर के बारे में तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ये टेक्स्ट लिखा गया है मान कुतूहल एंड इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द्रुपद्स he was the biggest patron of drupad music. ओके okay? तो ये हम थोड़ा टेक्स्ट देख रहे थे तो एक और नाम आपकी डिक्शनरी में मैं ऐड कर देती हूँ नहीं नंदिनी ठुमरी जो है वो डांस फॉर्म नहीं होता है ठुमरी क्लासिकल आ, सेमी क्लासिकल म्यूजिक में आता है लेकिन ठुमरी पर कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उसे परफॉर्म जरूर किया जाता है ठीक है सो नाउ जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन ताकि हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें और कुछ नए शब्दों को देखें हेलो राकेश ओके चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ नए शब्दों को देखते हैं ओके नेक्स्ट वर्ड जो आप सॉरी नेक्स्ट वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अमलक आप में से मुझे कौन कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ये कौन से आर्ट से जुड़ा हुआ है ये शब्द कभी सुना है आप में से किसी ने शायद काफी बार सुना होगा मंदिरों से जुड़ा है बिल्कुल सही जवाब यहां पे अमलक कभी आमले के आमले का मुरब्बा खाया आप सब में, आप में से किसी ने या फिर आंवला जो है उसको कभी देखा है है कैसा वो दिखता है? या उसके जो डब्बे होते हैं जिसमें आंवला बिकता है उसके ऊपर भी अमलक लिखा होता है कभी कभी तो वॉट इज दिस कनेक्शन ये टेम्पल आर्किटेक्चर से कैसे कनेक्शन रखता है क्या चीज है क्या स्टोरी है इसकी द पॉइंट इज कि टेम्पल आर्किटेक्चर में अमलक जो है वो शिखर का क्राउनिंग एलिमेंट होता है क्या आप शिखर के बारे में जानते हैं देखिए मंदिर में जहाँ मूर्ति रखी जाती है उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम गर्भगृह कहते हैं और गर्भगृह के ऊपर ऐसा एक टावरिंग एलिमेंट होता है जिसे हम शिखर कहते हैं है ना और ये जो शिखर है इसी के शिखर इसी के ऊपर यहाँ पर लोटस जैसा दिखने वाला आम के पत्तों जैसा दिखने वाला एक एलिमेंट होता है जिसे हम अम्लक कहते हैं अम्लक है ना खुले हुए लोटस जैसा दिखता है और वो शिखर के ऊपर आपको मौजूद देखने को मिलेगा और इसके ठीक ऊपर एक कलश होता है दिस इज अमलक। अब काफी लोग कहते हैं कि ये अमलक क्यों कहलाता है इट्स बिग क्वेश्चन दिखता तो है लोटस जैसा मानो लोटस जो है आ, वो खुला हुआ है ठीक है लेकिन अमलक शब्द का इस्तेमाल तो आमला के लिए होता है कुछ लोग इसको आम के पत्तों से भी जोड़ते हैं Now the point is कि आवला जो है, अगर आप आ, उसके सीड को बीच में से निकालते हैं, या फिर आपने अगर उसका सीड देखा हो तो वो जो सीड है ना उसमें आपको एक पैटर्न कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है वो ऐसे ही ऐसे करके बाहर की साइड उसके यूं करके होता है वो और ये जो अलग अलग सेक्शन है इसी में ये सीड कुछ इस प्रकार का होता है आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने देखा या नहीं और इसी के ऊपर ऐसे आपको एक एक पीस जो आंवला का है वो देखने को मिलता है सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि इसका नाम जो है वो अम्लक रखा गया नेक्स्ट टाइम आंवला खाएं तो उसके सीड पर थोड़ा सा गौर फरमाएं और uh, कंपेयर करें कि मंदिर में जो ऊपर अमलक होता है उससे वो मैच करता है या नहीं ठीक है वैसे इसको शिखर के ऊपर क्यों रखा जाता है माना जाता है कि ये एक प्रकार से आ, जो हेवन है और जो अर्थ है उसके बीच में कनेक्शन का काम करता है उसको कनेक्ट करता है ठीक है जी हाँ आंवले को गूस बेरी कहते हैं अंग्रेजी में जी चलिए अगला शब्द देखते हैं अगला शब्द है आरबेस्क ना वट इज दिस आरबेस्क इसको कैसे समझें आरबेस्क वर्ड का क्या मतलब है और ये कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है अरब से आरबेस्क पैटर्न ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से जुड़ा है जब आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखते हो जैसे कि ताजमहल तो वहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे हम आरबेस्क कह सकते हैं अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये आरबेस्क पैटर्न है आरबेस्क पैटर्न ऐसा होता है कि उस पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसका अंत कहाँ हो रहा है इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता जैसे कि बेसिकली ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे ये है इसमें सारी जो भी फूल पत्ते होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये पैटर्न शुरू कहाँ से हो रहा है और ये खत्म कहाँ हो रहा है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ओके okay? जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ एक मिनट रुकिए लेट मी शो यू देख लेते हैं देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे हम मैं आपको प्रॉपर तरह से पिक्चर बनाकर नहीं दिखा पा रही हूँ लेकिन मेरे पास एक अच्छी पिक्चर है जो कि आपको बेहतर तरह से समझा पाएगी ओके नाउ सी दिस पैटर्न इज इट विजिबल राइट तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये सब फूल पत्तियां जो भी डिजाइन है पैटर्न है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं हम इसके शुरुआत और अंत को ढूंढ नहीं पाएंगे जैसे ये फूल देखिए ये जो बीच में फूल है ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है फिर फिर ये इस तरीके से आगे चला जाता है सो so बेसिकली सारा पैटर्न जो है वो उसमें जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हों चाहे फूल पत्तियाँ हों ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी पैटर्न को हम आरबेस्क पैटर्न कहते हैं ठीक है नॉर्मली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इट इज़ क्वाइट कॉमन इस प्रकार का पैटर्न जो है वो काफ़ी कॉमन है अगला शब्द है अष्ट दिक पाल अष्ट का मतलब हुआ एट दिक मतलब की डिरेक्शन और पाल उसके रखवाले तो आठ दिशाओं के रखवाले ये कौन है ये भी नॉर्मली आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको आठ दिशाओं के रखवाले अग्नि इंद्र इष्ण यानी कि शिव कुबेर नैरुत वरुण वायु यम ये देखने को मिलेंगे अगर आप इन्हें देखना चाहते हो टेम्पल आर्किटेक्चर में तो आप किसी भी एंशियंट टेम्पल में चले जाइए मान लीजिए आप कैलाश आप कैलाशनाथ टेम्पल अगर जाते हो राष्ट्रकूटा के टाइम के टेम्पल्स में अगर आप जाते हैं या उससे पुराने टेम्पल्स में या बादामी केव्स में आप चले जाइए जैसे ही आप उस केव के टेम टेंप, उस टेम्पल में एंटर करेंगे जो मंडप वाला पोर्शन है उसके रूफ पर देखिए रूफ तो नहीं उसकी सीलिंग पर देखिए अंदर की तरफ से सीलिंग पर आपको यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल में ये बने हुए देखने को मिलेंगे जो कि आठों दिशाओं की ओर मुख करके बनाए गए होंगे तो ये नॉर्मली आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं आठ दिशाओं के रखवाले उसके बाद अगला शब्द आता है आयुध। आयुधास किसे कहते हैं आयुधास बेसिकली उन वेपन्स और टूल्स को कहते हैं जो कि नॉर्मली गॉड्स एंड गॉडेस के हाथ में होते हैं ठीक है जैसे कि गॉडेस काली के हाथ में गॉडेस दुर्गा के हाथ में आपने हथियार देखे होंगे या फिर सुदर्शन चक्र लॉर्ड विष्णु के हाथ में तो उन्हीं वेपन्स और टूल्स को हम अयुद्ध कहते हैं ठीक है चलिए अगला शब्द है बटर इस शब्द को समझने के लिए हम एक पिक्चर देखेंगे ये पिक्चर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ये जियासुद्दीन तुगलक की टोम्ब है लेकिन इसमें एक चीज पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो दीवार बनाई गई है ये सीधी नहीं है बल्कि ये थोड़ी सी स्लैंट है ये दीवार स्ट्रेट नहीं है आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद फोटो थोड़ा नीचे से ली गई है इसलिए ये थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है बट दैट इज़ नॉट ट्रू फोटो बिल्कुल सामने से ली गई है इसके साथ में साइड में जो दूसरी स्ट्रक्चर हैं उनकी दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन इसकी दीवार थोड़ी सी आपको झुकी हुई देखने को मिलेगी थोड़ी सी स्लैंट तो बाटर ये जो वॉल है ये है बाटर वॉल बाटर वर्ड मतलब स्लैंट थोड़ी सी स्लैंट वॉल तो नॉर्मली के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको इस प्रकार की वॉल्स जो है, वो काफी देखने को मिलती हैं यानी झुकी हुई थोड़ी सी एंगल से झुकी हुई दीवारें ओके स्लैंड बिल्कुल सही क्लियर पिक्चर से थोड़ा सा समझ आया है वॉल में जो स्लोप होता है ना स्लोप उसको हम बाटर कहते हैं ओके अगला शब्द देखिए डाडो पैनल वैसे इसमें पैनल वर्ड समझने की जरूरत नहीं है डाडो शब्द को हम समझ लेते हैं ये आर्किटेक्चर से कनेक्टेड है या नॉर्मली आप अपने घर में भी देखते हो ठीक है जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए ये आपके घर की दीवार है ठीक है अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे और ये है आपके घर की फ्लोरिंग और इस घर के ऊपर घर की फ्लोरिंग में टाइल्स हैं ऐसे टाइल्स लगा रखी हैं लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये जो फ्लोरिंग पर टाइल लगाते हैं इसके साथ साथ दीवार के बिल्कुल नीचे इतने हिस्से पर भी टाइल लगाई जाती है और वो उस फ्लोरिंग को कंप्लीट करती है ऐसे करके ये वाली जो टाइल है ये आपकी दीवार से चिपकी होती है ये वाली है। इसकी बात कर रहे हैं हम इसी को डाडो कहते हैं ठीक है जो वॉल है उसका लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है वहां पर यू विल फाइंड सो इसको हम डाडो कहते हैं आपके नॉर्मली लोकल भाषा में इसको कुछ और भी कहा जा सकता है ठीक है नाउ जो थे उनके अंडर जो टेम्पल्स बने हैं उन टेम्पल्स की जो दीवारें हैं उसके लोअर पार्ट पर आपको इस तरह से डाडो यहां पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और इन्हें ही हम डाडो पैनल कहते हैं ये देखिए ये एक उदाहरण है ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है यहाँ पर फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन ये दीवार के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट पर इस तरह की कार्विंग जो है वो की जाती है जिसे हम डाडो पैनल कहते हैं और होइसलास के टाइम के आर्किटेक्चर में इट वाज क्वाइट कॉमन ठीक है अगला शब्द है जगमोहन जगमोहन दिस पर्टिकुलर वर्ड इज पर्टिकुलरली कनेक्टेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा ठीक है तो नॉर्मली मेन टेम्पल जो होता है मेन जो मंदिर होता है श्राइन जो होता है उसके बिल्कुल सामने मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको एक हॉल देखने को मिलेगा जिसे हम जगमोहन कहते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेन श्राइन है गर्भगृह उसके ऊपर शिखर और शिखर के बिल्कुल आगे यू विल फाइंड दिस हॉल इसको आप मंडपी कह देते हो राइट तो ओडिशा आर्किटेक्चर में उसको हम जगमोहन कहते हैं नाम जैसा लग रहा था बट नाम नहीं है ये ओके अगला शब्द है कोश मीनार कोस कोश नहीं है कोस है कोस मीनार हमारा घर एक कोस दूर है दो कोस की दूरी पर है तो कोस शब्द का इस्तेमाल हम डिस्टेंस नापने के लिए करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए इस यूनिट को यूज करते हैं हम कोस को कोस मीनार क्या होंगी फिर हर एक कोस के बाद जो मीनार बनाई जाती है उसे मार्क करने के लिए उसे हम कोस मीनार कहते हैं जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो ये है कोस मीनार जैसे एक एक किलोमीटर पे एक, -एक मीनार बना दी तो यहाँ पर ये मीनारें डिस्टेंस मार्क करने के लिए बनाई जा रही है हर एक कोस के बाद एक मीनार बनाई जाती है कि लोगों को पता चले जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें पता चले कि वो कितनी दूर आ गए हैं आज के समय में आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं ना जैसे यहाँ पर एक स्टोन होता है वाइट कलर का येलो ऊपर येलो या वाइट कलर में जिसके ऊपर डिस्टेंस लिखा होता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो कितनी दूरी पर है उसी तरह से ये कोस मीनारे जो हैं वो भी बनाई जाती थी डिस्टेंस को मार्क करने के लिए ठीक है डिस्टेंस मार्कर हैं ये माइलस्टोन्स कह सकते हो आप इनको ओके कोस मीनार ओके अगला शब्द है मेहराब मीनार पर कोई मार्क नहीं होता है मीनार पे आपको ऐसा सच कोई मार्क नहीं मिलेगा लेकिन हर कोर्स के बाद एक कोर्स दूरी के बाद आपको यहाँ पे मीनार बनी हुई देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट है मेहराब मेहराब शब्द का मतलब क्या होता है आ इसे समझने के लिए और इससे इसके बाद जो अगला शब्द है इसे भी समझने के लिए हमें एक पिक्चर देखनी होगी ओके okay. तो जब आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति मौजूद नहीं होती लेकिन वहाँ पर एक दीवार ऐसी होती है जिस दीवार पर आपको इस तरह का नीच देखने को मिलता है इस तरह की कटिंग देखने को मिलती है अगर इंडिया के कंटेक्स में बात करें तो नॉर्मली इंडिया में जो मस्जिद है उसमें जो वेस्ट डिरेक्शन की जो वॉल होती है उस पर आपको ये नीच देखने को मिलेगी ये मक्का मदीना की ओर इशारा करती है ये डिरेक्शन इसी डायरेक्शन में बैठकर नमाज को पढ़ा जाता है ठीक है तो इसे हम मेहराब कहते हैं ये जो आप नीचे देख रहे हो इसे हम मेहराब कहते हैं इसे बड़ी खूबसूरत तरह से सजाया जाता है ओके इसके बाद इसके बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पर लैडर्स दिख रही हैं पिक्चर में इन लैडर्स के ऊपर चढ़ते हैं और फिर यहाँ पर बैठकर अ प्रेयर्स जो होती हैं या फिर खुतबा जारी किया जाता है जो भी चीफ काजी होते हैं उनके द्वारा और ये जो लैडर्स आप देख रहे हैं इनको कहते हैं मिंबर बिल्कुल मेहराब के साइड में आप देख सकते हैं ये लैडर्स ओके okay? ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसका पार्ट है यस yes. ओके okay. अगला शब्द है रूपकार या शिल्पी बेसिकली रूपकार या शिल्पी या शिल्पकार जो होता है वो कौन होता है नॉर्मली स्कल्पचर मेकर जो है उसको हम लोग शिल्पकार कह देते हैं ठीक है जो शेप देता है शिल्पकार ओके okay? अगला शब्द है श्रमण श्रमण ट्रेडिशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा जैसे बुद्धिज्म है जैनिज्म है तो वॉट इज श्रमण श्रमण का मतलब होता है और अ सीकर समवन हु वंडर्स टू सीक सम नॉलेज उस व्यक्ति को हम श्रमण कहते हैं स्थापति स्थापति शब्द का मतलब होता है आर्किटेक्ट स्थापत्य का मतलब आर्किटेक्चर होता है तो स्थापति का मतलब हुआ आर्किटेक्ट इसके बाद यक्ष और यक्षिणी यक्ष और यक्षिणी डेमी गॉड्स हैं और ये किसी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है इनका जिक्र बुद्धिस्ट जैन हिंदू हर आर्किटेक्चर में मिलता है इनके बारे में कहा जाता है कि ये नेचर के केयर हैं रखवाल okay? है, Next word है व्रित. ये ओके नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड है वृत्त। ये वृत्त के बारे में कौन बताएगा कभी मैथ्स में सुना होगा ये शब्द जब आप शेप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे एनी आइडिया वृत्त का मतलब सर्कुलर होता है सर्कल, वृताकार सर्कुलर अगला शब्द है विजनैन दिस वर्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पहले हम थोड़ा चीजों को साफ करते हैं और फिर बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है ये किसके लिए यूज होता है ये शब्द का इस्तेमाल हम उन मंदिरों के लिए करते हैं उन मंदिरों के लिए करते हैं जिनका गर्भगृह रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इन मंदिरों के ऊपर आपको जो शिखर देखने को मिलेगा वो शिखर वोल्टेड शिखर होता है ऐसा ऐसा शिखर इस प्रकार का शिखर तो ऐसे टेम्पल्स के लिए ये जो शिखर आप देख रहे हैं ये खाखरा या वल्लभी टाइप का शिखर होता है वोल्टेज शिखर वल्लभी टाइप शिखर कहते हैं इसको और इस तरह के शिखर वाले रेक्टेंगुलर शेप वाले गरभागृह वाले मंदिर जो हैं, वो विजनयन टाइप के टेम्पल्स कहलाते हैं ओके अगला शब्द है वंग बंग इज एंशियंट वर्ड फॉर बंग बंग मतलब बेंगोल ओके नेक्स्ट जो वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं वो है सरसेनिक सरसेनिक नॉर्मली ये वर्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है तो इस्लामिक आर्किटेक्चर को आप सरसैनिक आर्किटेक्चर भी कह सकते हो ठीक है और इसी तरह से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को आप इंडो सरसैनिक हो मुखलिंग ऐसे कुछ शिवलिंग होते हैं जिनमें आपको जिनके ऊपर आपको लॉर्ड शिव का चेहरा देखने को मिलेगा और इस तरह के जो शिवलिंग हैं उन्हें हम मुखलिंग मुख मतलब चेहरा मुख बना हुआ देखने को मिलेगा तो मुखलिंग नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड है नक्कार खाना ये नक्कार खाना क्या होता है नॉर्मली जो बड़े बड़े महल हुआ करते थे जैसे कि मुगल्स के टाइम पे तो मुगल्स के टाइम पर मान लीजिए ये उस महल का एंट्रेंस है ये वॉल है उस महल की और ये एंट्रेंस गेट है तो जैसे ही आप इसमें एंटर होंगे एंटर होते ही साइड में दोनों साइड में ना यहाँ पे यहाँ पे रूम्स हुआ करते हैं और उन रूम्स में होते हैं बहुत बड़े बड़े ड्रम्स नगाड़े ठीक है तो जब या राजा अंदर जाता है या बाहर आता है तो वो ड्रम्स जो हैं वो बजाए जाते हैं तो नक्कार खाना क्या है ड्रम हाउस कोई सेरेमनी हो रही है राजा युद्ध लड़ने जा रहा है तो वो जो ड्रम्स है वो वहां से बजाए जाते हैं नक्कार खाना ड्रम हाउस बड़े बड़े जो पैलेसेस होते थे उनमें आपको ये मिलेगा ओके okay? नक्कार खाना नाट्य मंडप और रंग मंडप टेम्पल आर्किटेक्चर में जो मंडप होते हैं कोलोनेटेड मंडप हॉल्स वो नाट्य यानी कि नृत्य के लिए नृत्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन्हें हम नाट्य मंडप कहते हैं या रंग मंडप कहते हैं फॉर रंगारंग कार्यक्रम प्रोग्राम नृत्य म्यूजिक इन सब कर इन सब के लिए जो मंडप का इस्तेमाल होता है उनको हम इससे रेफर करते हैं पंचायतन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पंचायतन क्या होता है पंचायतन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है अगर एक मंदिर कुछ इस प्रकार बना है कि उसका मेन श्राइन तो आप देखते ही हो लेकिन उसके साथ साथ उस मंदिर के कॉर्नर्स में आपको छोटे सब्सिडरी श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं देन दैट टेम्पल स्टाइल इज पंचायतन स्टाइल पंच मतलब कि पांच, तो पांच हो गए एक मेन श्राइन और चार यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन टोटल फाइव तो दिस इज पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल वॉट इज फमसाना फमसाना इज अ टाइप ऑफ शिखर फमसाना एक प्रकार का शिखर होता है जैसे आपने कई प्रकार के शिखर देखे होंगे जैसे पिरामिड शेप का शिखर आपने देखा होगा कोणार्क मंदिर पर पिरामिड शेप का शिखर है इसे हम पीड़ा देवला कहते हैं इसी प्रकार से आपने ऐसा शिखर भी देखा होगा जगन्नाथ टेम्पल पर इस प्रकार का शिखर है इसको हम रेखा देवला कहते हैं फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले खाखरा या वल्लभी टाइप का शिखर भी दिखाया था तो ऐसे ही फमसाना स्टाइल का भी शिखर होता है रेखा देवला टाइप के जो शिखर होते हैं उसी का एक सब टाइप है फमसाना फमसाना में भी इसी तरह से शिखर ऊपर जाते जाते कर्व होता जाता है लेकिन फमसाना टाइप के शिखर में स्लैब्स होते हैं कैसे मान लीजिए ये एक स्लैब है फिर इसके ऊपर एक दूसरा स्लैब बनाया जाएगा ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लैब्स और उसकी मदद से यहां पर धीरे धीरे कर्व जो है वो डेवलप होगा फमसाना नॉर्मली फमसाना टाइप के जो शिखर होते हैं वो गर्भागृह पर नहीं बनाए जाते गर्भागृह के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं ये जो सब्सिडरी श्राइन्स आप देख रहे हो यहाँ पंचायतन स्टाइल में ये छोटे श्राइन्स इनके ऊपर नॉर्मली आपको फमसाना स्टाइल के शिखर मिल जाते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू रेखा देवला देन पेट्रा कम्स ड्यूरा पेट्रा ड्यूरा इज अ टेक्निक ड्यूरा मतलब कि पच्चीकारी ड्यूरा भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा अगर आप uh, मुगल्स के अंडर जो भी आर्किटेक्चर बना है उसको देखने जाते हो तो यू विल फाइंड पेट्रा ड्यूरा टेक्निक पच्चीकारी पच्चीकारी कैसी होती है इसे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ लेकिन पहले हम इसे देख लेते हैं किबला लिवान <clears throat> उसके बाद फिर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आई विल शो यू वॉट ड्यूरा इज किबला लिवान इज बेसिकली दैट वॉल ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये है मेहराब और ये है मिम्बार लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जिस वॉल के ऊपर है ये जो दीवार है इसे हम किबला लिवान कहते हैं किबला इज दी डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट एंड लिवान इज दिस वॉल ठीक है जो वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है ओके तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है लेकिन ख़त्म होने से पहले मैं आपको ड्यूरा टेक्निक जरूर दिखाऊंगी वो जो पिक्चर है वो ज़रूर दिखाऊंगी और उसके साथ हम लोग आज का सेशन ख़त्म करेंगे ओके Let me just show you a picture of uh, Pietra Dura and then we'll end the session. Okay. कुछ लर्नर्स पीछे से वीडियो देख रहे हैं शायद जिस तरह से कमेंट आ रहा है उस हिसाब से आई गेस्ट ओके जस्ट सी दिस नाउ इज इट विजिबल कुछ दिख रहा है पिक्चर में ओके ग्रेट चलिए तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन सी कुछ पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे और इसमें पैरट दिख रही है ब्लू ग्रीन कलर में फ्लावर्स दिख रहे हैं बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये जो पीछे आप वाइट कलर का पत्थर देख रहे हो ये मार्बल है वाइट मार्बल और इसके ऊपर ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ये पेंट नहीं है ये पेंट डिप करके ऐसे पेंट जो है पेंट नहीं किया हुआ है ठीक है एक्चुअल में ये कलर्ड स्टोन्स हैं तो ये पैरेट का पहले तो इस वाइट मार्बल पे शेप कट किया होगा उसमें से थोड़ा सा मार्बल बाहर निकाला फिर ब्लू कलर का स्टोन लिया पैरेट के शेप में उस स्टोन को कट किया और उसके बाद उसको इनले किया है वहाँ फिर उसको पॉलिश कर दिया ऊपर से सो दिस इज वॉट पच्चीकारी इज इसे हम पेट्रा ड्यूरा टेक्निक कहते हैं और नॉर्मली जब आप आ, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखते हो तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इट्स क्वाइट कॉमन ठीक है कुछ और उदाहरण में अगर आपको दिखाऊं, तो आई होप आप समझ गए हैं वॉट पेट्रा ड्यूरा इज इट्स बेसिकली इनले टेक्निक ओके? ये इनले टेक्निक होती है और अगर मुझे एक और पिक्चर मिल गई तो आई डेफिनेटली शो यू ये देखिए दीज आर सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्राड्यूरा ये पेंट नहीं है ये उसी कलर के स्टोन्स हैं जिनको उस शेप में कट करके फिर इनले किया गया है ठीक है जैसे ये एक बेहतरीन उदाहरण है सिंपल उदाहरण है आप इसे भी देख सकते हो ओके चलिए सो दैट इज इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे फिर मुलाकात करेंगे आ, एक नई सीरीज़ के साथ हम मिलेंगे ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है आप सभी के लिए थोड़ी बहुत जानकारी है अबाउट सम ऑफ दी बैच कोर्सेज जो कि ट्वेंटी सेवेंथ से शुरू हुए हैं उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी अब इस सीरीज़ का कीवर्ड्स की जो सीरीज़ है उसका ये आखिरी सेशन होगा इस सीरीज़ को फिर शुरू करेंगे आने आ, आगे आने वाले समय में लेकिन फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ में मेरी तरफ से इतना ही दो मिनट रुक जाइए थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं सबसे पहले तो आप यूपीएससी कॉम्पैक्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें ये पीवाईक्यू स्पेशल होने वाला है लास्ट ट्वेंटी इयर्स आपके प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसी पर ये कॉम्बैक्ट होगा संडे को तीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे और अगर आप अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो आपको ज़रूर कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे इसके साथ दीज आर सम ऑफ दी बैच कोर्सेज जो कि ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जनवरी से शुरू हुए हैं आप अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करके इन बैच कोर्सेज के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड दीज़ आर सम ऑफ़ समी ऑप्शनल कोर्सेज जो जनवरी में शुरू हुए हैं आप ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करके इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टेन परसेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए यू कैन यूज़ ए आर टी आई वन सेवन जीरो टू रेफरल कोड के तौर पे एंड दैट इज़ इट थैंक यू सो मच और आप मेरी कम्यूनिटी ज्वाइन करें आगे आने वाले सेशन सीरीज़ और शॉर्ट वीडियोस से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए तब तक के लिए टेक केयर